नमस्कार दर्शकों, मैं आरिष अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों महीने कैसे बीतने वाले हैं, तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, लव लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, भाग्य के लिए, लाभ हानि, विदेश यात्रा आदि, हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, अक्टूबर महीने की कुंडली है, धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए। अक्टूबर महीने में 6 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मंगल 3 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे और तुला राशि में जो है गोचर करेंगे लाभ भाव में पूरे महीने, अक्टूबर के महीने में। सूर्य 18 तारीख को तुला राशि में गोचर करेंगे, 18 तारीख के पहले दशम भाव में कन्या राशि में और 18 तारीख के बाद जो है लाभ भाव में, दोनों ही ग्रह यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। बुध जो है 1 अक्टूबर को कन्या राशि में आ जाएंगे, जहां पर ये विराजमान है अभी, 1 तारीख से 19 तारीख तक यहां पर रहेंगे, भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, 19 तारीख के बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। शुक्र जो है 2 अक्टूबर से सिंह राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे और पूरे महीने अक्टूबर के महीने में भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। राहु और केतु 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को इनका भी राशि परिवर्तन होगा और राहु पंचम भाव में जो गोचर कर रहे हैं 30 तारीख तक गोचर करेंगे, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे, और केतु जो है जो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं वो आपके दशम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे अगले 18 महीने तक। तो राहु केतु का भी विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर का महीना बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी गुरु है, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और मीन राशि के भी स्वामी गुरु हैं। गुरु जो है लगन के भी स्वामी है, चौथे भाव के भी स्वामी है और ये गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में गुरु सदैव शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, लेकिन राहु के होने के कारण शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। अब राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र होने के कारण बहुत सारे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जैसे अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, क्योंकि राहु कमजोर स्थिति में गोचर करेंगे और कोई भी अशुभ परिणाम या शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि डिग्री वाइज बहुत ज्यादा कमजोर रहेंगे। वैसे भी बड़े ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो एक महीने पहले जहां पर वो जाने वाले होते हैं पहले से ही परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं, तो चौथे भाव के फल जो है राहु देने का प्रयास करेंगे। तो गुरु वैसे ही जो है स्वतंत्र रूप से काम करेंगे अक्टूबर के महीने में, और नवंबर के महीने में तो जबरदस्त लाभ देंगे, दिसंबर के महीने में भी गुरु जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने जो है गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तीनों महीने आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है नई नई अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे। अब ये मालिक है चौथे भाव के भी, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी लाभ देंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं, केंद्र के मालिक है, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और ये वक्री भी हैं, इस कारण से जो है इनके पास चेष्टा बल भी है, स्थान बल भी है, भाव बल भी है। अब यहाँ पर कारक माने जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो जबरदस्त आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से आपको लाभ हो सकता है, वही आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान की चिंताएं दूर होंगी, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी
और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी जो है अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है। गुरु जो है पांचवी दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में जो है देखेंगे तो यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, किस्मत आपकी साथ देगी, पिता का सहयोग भी मिलेगा। इनकी सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि जो है लाभ भाव में पड़ रही है, तो लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि अपने ही घर में अपनी राशि पर जो है लग्न भाव में पड़ रही है, इस कारण से जो है ज्ञान बुद्धि विवेक सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपके माइंड को जो है फ्रेश बनाएंगे, साथ ही साथ में हर क्षेत्र में लाभ भी देने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति जो है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीनों महीने बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन नवंबर और दिसंबर इसमें ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन के मालिक शनि है और शनि आपके पराक्रम के भी मालिक है, दूसरे भाव के मालिक है, तीसरे भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में अपने ही घर में, और यहां पर शनि अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन ये अभी वक्री है और वक्री होने के कारण ये जो है दूसरे भाव के ज्यादा फल देने का काम करेंगे। अच्छी स्थिति है, शनि यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन 4 नवंबर के बाद शनि और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है शनि जो है पिछले भाव के फल देंगे, तो 7.5 जैसे फल देखने को मिलेंगे, कोई विशेष जो है बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन 4 नवंबर के बाद जैसे ही ये मार्गी हो जाएंगे तो नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जिन कुंडलियों में शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो 4 नवंबर तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, 4 नवंबर के बाद जो है समस्याएं समाप्त होंगी, नौकरी की समस्याएं समाप्त होंगी, व्यापार भी बढ़िया चलेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और सोचने समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी जिन कुंडलियों में वक्री है। जिन कुंडलियों में वक्री नहीं है उन लोगों के लिए स्थिति ठीक है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, अक्टूबर के महीने में भी और नवंबर के महीने में भी और दिसंबर के महीने भी में भी, तो तीनों महीने जो है शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में ज्यादा अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। धन के मालिक है तो स्वाभाविक है धन में वृद्धि करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, साहस देने का काम करेंगे, तो यहां पर शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। वही यदि हम बात करें पंचम भाव के बारे में, यहां पर राहु गोचर करेंगे 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक, यहां पर थोड़ी थोड़ी परेशानी भी पैदा करते हैं लेकिन यहां पर कुछ अच्छे परिणाम भी राहु देते हैं। तो कमजोर स्थिति में रहने के कारण अक्टूबर के महीने में राहु और केतु का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नवंबर के महीने में राहु यहां पर जो है चौथे भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है जितने अच्छे परिणाम पंचम भाव में देता है। तो यहां पर यदि देखा जाए तो कई बार अचानक भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ दिलवाने का काम भी करता है लेकिन कई बार नुकसान भी कर देता है, तो दोनों स्थिति यहां पर राहु की देखी गई। अब कुंडली में देखना होगा कि कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, उसी के अनुसार से आपको फल देखने को मिलेंगे। लेकिन पंचम भाव के जो मालिक है वो मंगल है और मंगल पंचम भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे क्योंकि यहां पर दिग्बली माने जाते हैं, अच्छा फल देने का काम करते हैं, तो शिक्षा संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। लेकिन थोड़ा यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मंगल अस्त भी रहेंगे, हालांकि ये अपनी राशि को देखेंगे इस कारण से शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है और संतान की चिंताएं भी दूर होंगी, प्रेम संबंध कहीं ना कहीं जो है लव लाइफ में जो खराब स्थितियां चल रही थी वो सुधरने के योग भी बनेंगे, फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। 12वें भाव के मालिक है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं लेकिन थोड़ी रुकावटें जरूर आएंगी क्योंकि ये अस्त चल रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, डिले हो सकता है, आपकी फाइल अटक सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको मंगल का उपाय करना है, ओम अंगंगार काय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है या तो हनुमान जी की आपको सेवा करना है। इसके बाद यदि हम बात करें 6वें भाव की तो 6वें भाव के मालिक शुक्र है, शुक्र 6वें भाव के भी मालिक है, लाभ भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में, भाग बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन यदि देना चाहते हैं तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नौकरी वालों के लिए, व्यापार के लिए कोई नया काम चालू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो,
छठे भाव के मालिक है तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, परास्त करने का काम और कोर्ट कचहरी के मामले में भी लाभ देने का काम करेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। वही देखा जाए तो ये लाभ के मालिक है, जब भी लाभ का मालिक भाग्य भाव में गोचर करता है तो लाभ होता है, आय में वृद्धि होती है, भाग्य साथ देता है, कोई भी काम जो है शीघ्र बनते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। वही देखा जाए तो सप्तम भाव के मालिक बुध है और बुध आपके कैरियर के भी मालिक है। अब कैरियर का मालिक कैरियर के भाव में भद्र नामक राजयोग बना रहा है, साथ ही साथ सूर आदित्य बुध आदित्य राजयोग, सूर के साथ बुध बैठे हैं तो बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, दो दो राजयोग बन रहे हैं। इस कारण से कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कहीं पर यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो संभावनाएं हैं कि ट्रांसफर भी हो सकता है, मतलब कैरियर में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे अक्टूबर के महीने में। 1 अक्टूबर से पूरा महीना जबरदस्त लाभ देने का काम जो है बुध महाराज करने वाले हैं, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो अष्टम भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। भाग्य के मालिक सूर्य है और सूर्य जो है दशम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आपके कैरियर को मजबूत बनाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, चाहे आप स्वयं का काम कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, कुछ भी यदि आप कर रहे हो उसमें आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, अच्छी स्थिति है ग्रहों की। सूर्य 18 तारीख के बाद लाभ भाव में चले जाएंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग बनेगा, परिवर्तन राजयोग बनेगा, तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, राजनीति में भी सफलताएं मिल सकती है, कोई पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मान सम्मान धन वैभव कीर्ति प्रसिद्धि मिल सकती है, ये बहुत अच्छी स्थिति जो है बन रही है। भाग्येश लाभ भाव में गोचर करेगा और लाभेश भाग्य भाव में गोचर करेगा, तो ये परिवर्तन राजयोग बनेगा, तो अक्टूबर का महीना बहुत ही शानदार आपका बीतने वाला है। केतु के कोई विशेष परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि कमजोर स्थिति में ये गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो बहुत ही शानदार है अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, छठे आठवें और बारहवें भाव में कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है और ये भाव जो है ये बुरे भाव माने जाते हैं, इस कारण से जो है यहाँ पर कोई ग्रह यदि गोचर करता है तो थोड़ा जो है निगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने में केंद्र और त्रिकोण के भाव में ग्रहों का गोचर है, लाभ भाव में गोचर है, इस कारण से जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। नवंबर के महीने की यदि हम बात करें तो नवंबर के महीने में सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है, ये स्थिति जो है खराब स्थिति है, क्योंकि 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्य जो है आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश चले गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अपने देश में ही रह रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है, नकारात्मकता है, कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट देखने को मिलेगी, कोई भी काम यदि आप करोगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, विघ्न आएंगे, परेशानियां आएंगी, इसलिए नवंबर के महीने में सूर्य को जो है कहीं ना कहीं जो है मजबूत करना है, उपाय करना है, सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य स्त्रोत्र का पाठ करना है, नौकरी में भी थोड़ी मोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि भाग्येश 12वें भाव में गोचर करेंगे। बुध 6 नवंबर से 27 नवंबर तक वृश्चिक राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे, ये भी नकारात्मकता है यहाँ पर देते हैं, नकारात्मक परिणाम देने का काम करते हैं, हालांकि यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बनेगा लेकिन कोई राजयोग का मतलब नहीं रहेगा और ये भी नुकसान करने का काम करेंगे। कैरियर में थोड़ी समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, मन मुटाव हो सकता है, नौकरी छोड़ने का मन हो सकता है, तनाव हो सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और पेशेंस रख करके काम करना है। नवंबर का महीना आपके लिए बढ़िया नहीं है, क्यों? क्योंकि बुध आपका कैरियर का मालिक है, वैवाहिक जीवन का भी मालिक है, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करेगा और कैरियर में भी दिक्कत देने का काम करेगा, इसलिए नवंबर के महीने में ना ही सूर्य की अच्छी स्थिति है और ना ही बुध की अच्छी स्थिति है। बुध जो है 27 नवंबर तक रहेंगे, शुक्र जो है 3 नवंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर ये नीच राशि में गोचर करेंगे, ये भी एक खराब स्थिति है, क्योंकि शुक्र नीच राशि में जब गोचर करते हैं तो बुरा परिणाम देने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है नवंबर का महीना आपके लिए सावधानी वाला रहेगा,
वैवाहिक जीवन में थोड़ी तनाव हो सकता है, विवाद हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की विशेष रूप से जरूरत रहेगी। शुक्र की स्थिति भी बढ़िया नहीं है। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आपको जो है नवंबर के महीने में जप करना है। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये अपने भाव में गोचर करेंगे लेकिन ये अस्त रहेंगे, इस कारण से 12वें भाव में मंगल भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अपने घर में गोचर करने के कारण ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे लेकिन अस्त होने के कारण ये निगेटिव परिणाम जरूर भी देंगे। तो ये समझ जाइए कि मंगल भी मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। तो मंगल का भी उपाय आपको करना है। विशेष तौर पर मंगल भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट हो सकता है, विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए आपको पेशेंस रखना है और ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ध्यान रखना है कि मंगल नवंबर के महीने में बढ़िया नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं चारों ग्रह का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए बढ़िया नहीं है। चारों ग्रह का आपको उपाय करना है नवंबर के महीने में। दिसंबर की यदि हम बात करें तो 16 दिसंबर को जो है सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। दिसंबर का महीना बहुत ही शानदार रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। फिर से रूटीन आपका अच्छा रहेगा। कई बार होता है कि कुछ समय किसी का खराब होता है, समय बदलता है, तो वही स्थिति है कि सूर्य जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, राशि में आएंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, नई अपॉर्चुनिटी देंगे और जो आपका काम खराब हुआ था उसको सुधारने का काम करेंगे। तो नवंबर के बाद दिसंबर का महीना शानदार बीतने वाला है। 16 दिसंबर के बाद मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल जो है ये भी जो है धनु राशि में गोचर करेंगे 28 दिसंबर से। तो 28 दिसंबर के बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही अब बुध के बारे में बात करें तो 28 तारीख को बुध भी जो है आपके राशि में ही आ जाएंगे, ये भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी दिसंबर के महीने में, 28 दिसंबर को आएंगे। और शुक्र जो है 25 तारीख को जो है लाभ अभाव में गोचर करेंगे दिसंबर के महीने में, तो ये भी जबरदस्त लाभ देंगे। तो वही आपको ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर के बाद जो स्थिति आपकी सुधर रही है वही आपके लिए बढ़िया है, लेकिन 15 दिसंबर तक मोटा मोटा देखा जाए तो नवंबर के महीने से दिसंबर 15 तक स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। इस कारण से चारों ग्रह का आपको उपाय करना चाहिए। शनि आपके लिए देखा जाए तो बढ़िया रहेंगे, गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, राहु केतु भी कहीं ना कहीं जो है आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि केतु धीरे धीरे मजबूत होंगे, कैरियर के भाव में मजबूती लाएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अक्टूबर और दिसंबर का महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है। नवंबर के महीने में आपको सावधानी रखना है, सूर्य बुध शुक्र और मंगल इन ग्रहों का आपको उपाय करना है। यदि देखा जाए आपकी कुंडली में ग्रहों की यदि शुभ स्थिति है तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु की, शनि की या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पहले आप महादशा, अंतरदशा या मारक ग्रह जो चल रहे हैं उनका उपाय करें, उसके बाद जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके जो है उपाय जान सकते हैं और उपाय करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।